का बना रहल बानी रउआ? अभिलाषा हम बना रहल बानी हरियाला मूंग पराठा। ये बताई रागिनी जी कि केकरा से रउआ सीखनी हरियाला मूंग पराठा? हरियाला मूंग पराठा ई हम अपनी माँ से सीखनी। रउआ लोग भी कॉपी पेन लेके बैठी और लिख ली कि का का सामग्री की जरूरत पड़ी हरियाला मूंग पराठा बनावे खातिर। लिखी बताई। एकरा बनावे के लिए सबसे पहले चाहे पालक, मूंग का दाल और आटा, और ओकरे साथ में ई है रिफाइंड तेल, और ये पालक का पेस्ट, और ये है एवरेस्ट जीरा पाउडर, एवरेस्ट का गरम मसाला हम सुविधा के लिए जथा दिलवानी, और ई अजवाइन है, धनिया पत्ती, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, और ये है एवरेस्ट का हींग। तो शुरुआत कर जाओ एकरा बनावे। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग मूंग का भरावन तैयार कर जाए। एकरा लिए सबसे पहले तो गैस जला ली, इसमें सबसे पहले तेल डालें। अच्छा, जो मूंग के अंदाज थोड़ा सा बता दी। इसमें कम से कम 4 लोगों के पराठा तैयार हो जाए आराम से। एक कटोरी मूंग दाल बाई और पहले से भिगो के रखल। हाँ, ये भिगो के रखल बा, और भिगो से जल्दी पके में आसानी हुई। हाँ, ये गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, और जीरा के थोड़ा भुने के इंतजार करे के चाहिए। ओकरा बाद हम इसमें एवरेस्ट का हींग पाउडर डालब। एवरेस्ट हींग, सही खुशबू, सही स्वाद। एकरा बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डालब। हल्दी डाले के बाद इसमें हम 100 ग्राम मूंग 4 आदमी का पराठा के लिए जो कि भुने का तैयारी करब। और जैसे कि देखत हो इसमें खुशबू उठा था तो बहुत बढ़िया, हींग के बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। हाँ, अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालब थोड़ा सा तीखापन खाते। हाँ, अब इसमें हम थोड़ा सा एवरेस्ट का गरम मसाला डाल दे जैसे एकर स्वाद दुगना हो जाए। एवरेस्ट गरम मसाला, लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। अभी भुने के करीब पहुंच रहल बा, एकदम मूंग के बहुत अच्छा महक आ रहल बा। इसमें अब नमक पड़ी, और फिर नमक के अच्छी तरह इन्हें मिला लेवे के हुई। एक एक दाना एकदम पक गल बा और एकदम अलग अलग बा, भुन के तैयार बा, तो एके हम खाली कर लेते नहीं। वाह, मूंग के बहुत बढ़िया महक आ रहल बा, और मूंग सेहत खातिर भी बहुत अच्छा होला। ई भुन के मूंग का भरावन तैयार हो गेल बा, लेकिन भरे के लिए हमके के पीसे के बा। हाँ। और ओकरा में समय लागी तो हम ई पहले से ही एके पीस के धैले बानी। एक में पीसे में बस ये ध्यान रखे के बा कि बहुत महीन ना, अब बहुत मोटो ना रह जाए, तो दरदरा पीस लेवे के बा। और मूंग तो तैयार हो गई, अब हमनी के आगे के क्या तैयारी करे के बा? आगे हम एके भरे के लिए आटा का तैयारी करब। तो कितना हमने अंदाज से आटा यहाँ पर ले ले बानी? ये लगभग 250 ग्राम आटा हुई। अच्छा, अब एकरा में पालक का पेस्ट डाले के बाद रवा लोग पहले देखनी कि पालक पत्ता के हम एके बॉईल करके अच्छा और मिक्सी में पीस ले ले बानी। और एकरे बाद हम इसमें धनिया के पत्ती भी थोड़ा डाल दे जैसे कि अच्छा देखे में भी और स्वाद भी आई। इसमें थोड़ा हम अजवाइन डाल दे। पराठा में अजवाइन जरूर पड़ेला। और यह जीरा, जीरा भी डाल दे थोड़ा। जीरा डाले के बाद हम इसमें नमक डालब। अब इसमें नमक बढ़ गई बा, तई के गुथे का तैयारी करे के बा। और सबसे पहले तो बिना पानी के ही हमें के मिलाई अजवाइन में पड़ल बा और साथ में जीरा भी, और ये दोनों कोई भी चीज़ के पचावे में बहुत ही सहायक होला, बढ़िया होला। अब जैसे कि देख रहे लोगों कि मैं अच्छा से मिलावे के बाद भी अब थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी ले। वाकई में एकदम हरा रंग, और अब रवा समझ गए होगा कि एक हरियाला मूंग पराठा काहे नाम बा। अब आटा तैयार बा, हमनी के गैस दोबारा जलावे के बा। अब हम आटा का लोई ले, इमें हम भरावन पहले से तैयार बा, तो इमें हम भरावन के डालो एकदम ठीक वही तरह से जैसे। हाँ, कि हमने के भरल पराठा कोई भी स्टफ्ड पराठा बनावेला। अब एकरा हमके बेल लेवे के बा। एके बेले में ध्यान रखे के चाहिए कि ज़्यादा फटे ना किनारी, काहे कि भरावन बाहर आवे लगी। एकदम हरा हरा पराठा केहू के भी ललचाए खातिर काफ़ी बाई। अब हम थोड़ा सा तेल पहले ही डाल ले। अब हम पराठा के इपे डालब और आँच थोड़ा धीमा कर दे। धीमा आँच पे सेके से एक चीज़ होला कि पराठा एकदम करारा करारा बनेला। हाँ बिल्कुल, सिक रहल बा धीरे धीरे, और बहुत बढ़िया मूंग के और पालक के महक एकदम एक साथ सेहत से भरा। और वाह, राउट पराठा के तो माने के पड़ी रागिनी जी, एकदम फूल के गुप। और ऐसा पराठा
बहुत बढ़िया होला जो एकदम फूल जाला। तो देखत हई रउआ की पराठा तो एकदम सिक गइल बा, तो एके हम प्लेट में डाल देते हैं। हरियाली मूंग पराठा बनावे के विधि। एक पैन में रिफाइन गर्म करी, अब ओमे जीरा हींग हल्दी मूंग दाल डाल के भून ली। अब ओमे लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला नमक डाल के पका के एक दरदरा पीस ली। अब एक बाउल में आटा और ये उबलल पालक के पत्ता के पीस के एमे मिलाई। एमे धनिया के पत्ती अजवाइन जीरा और नमक डाल के गूंथ ली। अब आटा के लोई बना के ओमे मूंग के भरावन के भर के बेल ली और तवा पर रिफाइन लगा के सेक ली और गर्मा गर्म सर्व।